महाराष्ट्र के नाशिक में एक आदिवासी छात्रा ने आरोप लगाया है कि पीरियड्स में रहने की वजह से पुरुष शिक्षक ने उसे और अन्य लड़कियों को स्कूल में वृक्षारोपण अभियान के तहत पेड़ लगाने से रोक दिया और कहा कि पेड़ जल जाएंगे। मामला सामने आने के बाद से आदिवासी विकास विभाग ने जांच के आदेश दिए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपनी शिकायत में 12वीं कक्षा की छात्रा ने दावा किया है कि शिक्षक ने उसे और अन्य लड़कियों से कहा था कि अगर पीरियड्स वाली लड़कियां पेड़ लगाती है तो वो नहीं उगेंगे और जल जाएंगे। आरोप लगाने वाली लड़की त्र्यंबकेश्वर ब्लॉक के देवगांव में लड़कियों के लिए संचालित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आवासीय स्कूल की छात्रा है। आदिवासी विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। वह इस मामले को लेकर अतिरिक्त आयुक्त संदीप गोलेत ने कहा है, इस मामले में छात्राओं, शिक्षकों, अधीक्षक और प्राचार्य सहित सभी के बयान लिए जाएंगे और जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।